डेवलपमेंट प्लान को अवैध करार देते हुए ट्रिब्यूनल ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कौरहरित क्षेत्रों में भवनों की मंजिलों की संख्या और निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। शिमला डेवलपमेंट प्लान को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अवैध करार दिया है। एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि अवैध डेवलपमेंट प्लान को लागू नहीं किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल की 4 सदस्यीय पीठ ने योगेंद्र मोहन सेन गुप्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए ये निर्णय सुनाया है। पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि जब ट्रिब्यूनल ने एक बार इस मामले में फैसला सुना दिया है तो स्थिति में मामले को दोबारा से जांचने और परखने की जरूरत नहीं है। इस मामले में ट्रिब्यूनल की राय अंतिम है, जब तक कि इसमें कोर्ट की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। हिमाचल शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला शहर और प्लानिंग एरिया में भवन निर्माण के नियमों में राहत देने के लिए सरकार ने सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार किया था। सरकार ने विशेषज्ञों की सिफारिशों पर ये प्लान 8 फरवरी 2022 को बनाया है। 11 फरवरी 2022 को इस बारे में आम जनता से आपत्ति और सुझाव भी मांगे गए। निर्धारित 30 दिन के भीतर स्थानीय आपत्तियां और सुझाव प्राप्त हुए, सभी पर टीसीपी विभाग के निदेशक ने सुनवाई की। 16 अप्रैल 2022 को राज्य सरकार ने वर्ष 2041 तक कुल 22,450 हेक्टेयर भूमि के लिए इस प्लान को अंतिम रूप दिया है। 12 मई को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार के प्लान को स्थगित करने के बाद अवैध करार दिया है। उन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला स्वीकार नहीं है, वह इसके खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। एनजीटी के स्थगन आदेश के खिलाफ सरकार उच्च न्यायालय में गई है। शिमला में मंजिलों को कम करना पर्यावरण को खराब कर रहा है। एनजीटी ने अपना रुख इससे पूर्व अपने इंटरिम ऑर्डर में दिखा दिया था। हमने जो डेवलपमेंट प्लान बनाई है वो 2017 के एनजीटी के ऑर्डर और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में इस विषय में रिट पिटिशंस के आधार पर हमने बनाई। हमने 2017 का जो ऑर्डर था उसमें ये कहा गया है कि शिमला की डेवलपमेंट प्लान 1979 से आज तक नहीं बनी, इंटरिम प्लान पर चल रहा है काम, ये बनाई जानी चाहिए। इसी प्रकार से हाई कोर्ट में भी जो है वो सीडब्ल्यूपी लंबित है। इसको ध्यान में रखते हुए और हमारा जो एक्ट है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, उसके मुताबिक भी हर शहर की डेवलपमेंट प्लान बनाना आवश्यक था। हमने हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर जो शहर है उनकी डेवलपमेंट प्लान बनाई है, जिसमें शिमला डेवलपमेंट प्लान जो है वो हमने एक एजेंसी को जो है जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसको हायर करके काफ़ी समय लगा करके जो है वो डेवलपमेंट प्लान बनाई और हर स्तर पर इसकी जो है वो प्रॉपर कंसल्टेशंस हुई हैं, अधिकारियों के स्तर पर भी, आम जनता से भी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से भी, सबसे जो है बातचीत करने के बाद ये फाइनल की गई। कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया, वहाँ पर भी डिस्कशंस हुई और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद नोटिफिकेशन होना था इसका, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा उत्सुक हैं कि वो बिना कैबिनेट के नोटिफिकेशन को इंतज़ार किए बगैर ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चले गए। अब वो ऐसे लोग हैं जिनका हिमाचल से बहुत ज़्यादा ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर स्थगन आदेश जो है वो एनजीटी ने दिया, जिसे हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज कर रखा है संविधान की धाराओं के अंतर्गत, वो अंडर कंसिडरेशन है हाई कोर्ट में। और जो पुराना ऑर्डर है 2017 का जो एनजीटी ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बैन लगा रखा है कंस्ट्रक्शन पर, उसे भी हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है बाय फाइलिंग द अपील। तो ये जो ऑर्डर इन्होंने फाइनल ऑर्डर पास किया है इसके खिलाफ भी जो है वो हम हाई कोर्ट जाएंगे और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका हम पूरा जो है उपयोग करेंगे। और हम ये मानते हैं कि शिमला के साथ अन्याय है और शिमला की जनता के साथ न्याय होना चाहिए। जिसने मकान बना दिया
वो तो 6 मंजिलों में रह सकता है, और जिसने जो बेचारा किसी कारण से अपना मकान नहीं बना सका और ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर दिया तो बीच में जो है 1 मंजिल भी नहीं बना सकता, ये उचित नहीं है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।